नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक फूल की चाह कविता का दौरान करेंगे। इसके पूर्व में हम जो पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ हैं उनका सभी का दौरान कर चुके हैं। तो एक फूल की चाह जो कविता है उसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। इनका जन्म 1895 में हुआ था और इनका काव्य का जो प्रमुख गुण है वो कथ्यात्मक है, यानी कथा के रूप में ये अपना काव्य लिखते हैं। प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त जी इनके बड़े भाई हैं और इनके पिता भी एक अच्छे कवि थे। यानी जो काव्य लेखन है वो इनके इनमें एक अनुवांशिक रूप से इनके अंदर है, यानी अपने प्रेरक के रूप में अपने पिता और भाई से इन्हें काव्य लेखन जीवन में मिला है। तो इन्होंने भी इनका जो प्रमुख काव्य का जो क्षेत्र है विषय है वो है सामाजिक चेतना, यानी समाज में फैल रही कुरूतियों के प्रति और समाज को अवेयर करने के प्रति जो ये है हमेशा लगे रहे हैं। अपनी इस कविता के माध्यम से भी इन्होंने छुआछूत को और जातिगत भेदभाव को दूर करने पर जोर दिया है। वहीं इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो मौर्य विजय, आद्रा, पाथेय, मृगणी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नकुल, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और एक फूल की चाह एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है जिसका कि कुछ अंश आपको यहाँ पर कविता के रूप में दिया गया है। तो बच्चों, हमने इस कविता में देखा था कि जो कविता है वो छुआछूत पर आधारित है और छुआछूत, जातिगत भेदभाव, धर्म के नाम पर आडंबर, ये हमारे भारतीय समाज की प्रमुख कुरीति के रूप में जाना जाता है। छुआछूत में यानी कि ईश्वर ने तो मनुष्य बनाया और मनुष्य आप सभी जानते हैं कि सब एक से ही होते हैं, उनमें बहने वाली रक्त की धार एक सी ही होती है, किंतु जो स्वार्थी लोग हैं, धर्माचार्य हैं, इन्होंने अपने जातिगत और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों को धर्म जाति के नाम पर बांटा है और बांटने के बाद उन्हें ये अनुभव नहीं है कि जो लोग नीची जाति के हैं या जिन्हें अछूत कहा जाता है उन्हें किन किन प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कविता में हमने देखा था कि जो उसका जो समय था, यानी कविता जब लिखी गई थी उस समय की बात थी कि वहाँ गांव में महामारी फैली थी और बहुत से लोगों के बच्चे बीमार होकर मर गए थे और उनकी माएँ अपने बीमार बच्चों के लिए तड़प रही थी, रो रही थी, विलाप कर रही थी। ऐसे में जो प्रमुख पात्र है सुखिया जो बच्ची है वो भी बाहर खेलने जाया करती थी, उसके पिता अक्सर उसे मना करते थे कि महामारी का काल है, इस समय तुझे बाहर नहीं खेलना चाहिए, किंतु बच्चे हैं जो बच्चों पर नियंत्रण करना ही बड़ा ही मुश्किल है। और ऐसा ही हुआ कि जो उसके पिता का डर था वो सच हो गया और सुखिया को एक दिन बहुत तेज बुखार आ गया और ऐसी स्थिति में उसने अपने पिता से केवल एक इच्छा जाहिर की कि उसे देवी माँ के चरणों का एक फूल ला दो। सुखिया के पिता को भी एक ऐसी आशा थी कि शायद देवी माँ के चरणों का फूल पाकर उसकी बेटी सही हो जाएगी और वो उसी उधेड़बुन में लग गया कि किस तरह से वो मंदिर में जाए और देवी माँ के चरणों का फूल लेकर आए। सुखिया के पिता को ये बात पता थी कि वो अछूत हैं और उन्हें मंदिर में जाना वर्जित है, वो मंदिर में नहीं जा सकते, ना ही उन्हें कोई प्रवेश करने देगा। ऐसी सोच में वो लगा रहा, किंतु एक दिन बीत गया और दूसरे दिन भी सुखिया ने जब बीमारी की अवस्था में माता के चरणों के फूल की इच्छा जाहिर की तो उसका पिता दूसरे दिन साफ़ सुथरे कपड़े नहा धो के, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर की ओर चला। मंदिर की गरिमा एक अनोखी और निराली थी, ऊंचे पहाड़ पर देवी माँ का मंदिर बना था, चारों तरफ से यज्ञ हवन की आवाज़ें आ रही थी, सुगंधित अगरबत्तियों की महक चारों ओर महक रही थी। और ऐसे में सुखिया का पिता भी हिम्मत करके पूजा की थाली और प्रसाद और फूल लेकर मंदिर में पहुँचा था और उसने बड़ी हिम्मत के साथ पुजारी को अपनी थाली दी। पुजारी ने माता को भोग लगाकर उसको थाली दे ही रहा था, इतने में अचानक से लोगों ने शोर किया कि ये अछूत व्यक्ति मंदिर में कैसे घुस आया, पकड़ो, मारो, इसको जाने मत दो, और इस तरह से लोगों ने उसे घेर लिया। माँ का प्रसाद उसके हाथ से छूट गया, वो प्रसाद और फूल अपनी पुत्री तक नहीं पहुँचा पाया और लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस में करीबन एक हफ्ते तक उसे जेलखाने में बंद कर दिया और ऐसी स्थिति में माँ के प्रसाद और फूल को वो अपनी पुत्री तक नहीं पहुँचा पाया।
जब बच्चों वो वापस जेल से लौटा तो उसे ये डर था कि सुखिया पता नहीं कैसी होगी। सुखिया को बीमारी की स्थिति में छोड़कर आया था, उसका मन बड़ा ही डरा और कचपचा रहा था और कहीं ना कहीं उसे कोई आशंका सता रही थी कि उसकी बेटी कैसी होगी। उसका पांव घर की ओर नहीं जा रहा था और वह धीरे धीरे से कदम बढ़ा रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि अगर उसकी बेटी उसे लेने क्यों नहीं आई, क्योंकि अक्सर जब वो काम से लौटता था तो उसकी बेटी उसे घर के बाहर ही खेलती मिल जाया करती थी। और ऐसे में उसके पांव घर की ओर नहीं उठ रहे थे और जब किसी ने उसे बताया कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, वो मरघट में पहुंच चुकी है और सुखिया के पिता के भाई बंधुओं ने उसे जला दिया था, वो एक राख की ढेरी बन गई थी। सुखिया के पिता के कदम बड़े ही भारी हो चुके थे और वो बड़े ही दुखी मन से मरघट में ही अपनी पुत्री से मिला, और जो कि उसकी पुत्री राख की ढेरी में बदल चुकी थी। और उसे ज़िंदगी में भर एक ही पछतावा था कि वो अंतिम दर्शन भी अपनी पुत्री के नहीं कर पाया, यानी मरते वक्त वो अपनी पुत्री को गोद में नहीं ले पाया, ना ही उसकी एक अंतिम इच्छा वो पूरी कर पाया। अंतिम इच्छा वो क्यों नहीं पूरी कर पाया, क्योंकि समाज के चलते छुआछूत के कारण वो मंदिर तक पहुँच तो गया था किंतु उसे देवी माँ के चरणों का प्रसाद और फूल नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ कवि ने हमें यही बताने की कोशिश की है कि छुआछूत, जातिगत भेदभाव, धर्म के नाम पर हो रहे आडंबरों से समाज में निचली, पिछड़ी और गरीब जनजातियों को कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है, इसका एहसास शायद स्वर्ण और धनी लोगों को और ऊंचे कहलाने वाले लोगों को इसका एहसास नहीं है कि शायद गरीब लोगों को कितनी प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। तो इसमें धर्म के नाम पर इस छुआछूत ने एक पिता से उसकी पुत्री को छीन लिया और हमेशा के लिए सुखिया इस दुनिया से चली गई। तो बच्चों, ये पाठ हमें एक सामाजिक चेतना और के और अवेयरनेस की ओर ध्यान दिलाता है कि समाज में फैल रही छुआछूत, जातिगत भेदभाव और धर्म के नाम पर फैले आडंबरों का हमें अंत करना चाहिए। और आज की युवा पीढ़ी ही समाज को बदल सकती है। आज के युवा यदि एक नई सोच रखें तो शायद हम इसका अंत कर सकते हैं। तो इसी सोच को, इसी विचार को डेवलप करने के लिए, इसी विचार को विकसित करने के लिए हमें ये कविता हमने सियाराम शरण गुप्त जी की जो है वो हमारे सिलेबस में डाली गई है, ताकि आगे आने वाली युवा पीढ़ी ये छुआछूत और जातिगत भेदभाव का सामना ना करे और वो इसे अपनाए भी नहीं, बल्कि इसे दूर करने का प्रयास करे और समाज में सब लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के कष्टों को दूर करने की कोशिश करें। तभी हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र विकसित हो पाएगा, क्योंकि कुरूतियाँ जो होती हैं, बुराइयाँ जो होती हैं, वो हमारे समाज का विकास अवरुद्ध करती है, समाज को आगे बढ़ने नहीं देती है। हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम इन बुराइयों को दूर करेंगे। तो आशा है बच्चों, ये पाठ हमारे लिए एक अच्छी सीख होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।